हे फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दाकिन इंडिया में। हमारे दोस्तों ने जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद में बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, हम आज को बताएंगे कि जो हार्टोन का हरियाणा में कंप्यूटर एलिजिबिलिटी का जो टेस्ट होता है, उसके बारे में कि उसका रिजल्ट है वो आएगा तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, रिजल्ट चेक करना है आपका, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट चेक है, वो आप कैसे करेंगे वही हम अपने इस वीडियो में बताएंगे। और जो दोस्त टाइपिंग में जो फेल हो गए हैं, उनके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम उनको बताएंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए दोस्तों, आपको वेबसाइट ओपन करनी है hearton.in। आपको गूगल में टाइप करना है HARTRON। जैसे ये कॉलम खुलेगा, उसमें ऊपर लिखा हुआ दिखेगा hearton, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इसकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है ऑफिशियल, वो आपके सामने होगी। इसमें आप सभी कॉलम्स में अपनी अपनी डिटेल जो भी चेक करना चाहो वो चेक कर सकते हैं, पर मैं आपको सिर्फ रिजल्ट के बारे में बताता हूँ कि रिजल्ट कैसे चेक करना है। न्यूज़ अपडेट में दिया हुआ है सी आल न्यूज़। सी आल न्यूज़ पे आपको क्लिक करना है, जिसमें सारी जो लेटेस्ट न्यूज़ है, जो भी जॉब निकली हुई है या रिजल्ट है या जो भी लेटेस्ट इनकी नोटिफिकेशन आता है, वो यहाँ पर दिखाई देगा। भी आपके सामने दिखाई दे रहा है रिजल्ट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें टाइम दिया हुआ कि आपका पेपर कब हुआ था, उनका टाइम के डेट के हिसाब से रिजल्ट आया। तो इसमें 27 तारीख वालों का रिजल्ट शो हो रहा है। 27 तारीख वालों का रिजल्ट आप यहां से चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में आपके सामने PDF फाइल ओपन होगी, जिसमें सभी कैंडिडेट्स के नाम, रोल नंबर और उनका रिजल्ट दिया होगा कि उन्होंने एग्ज़ाम किस में दिया था। टाइपिंग इंग्लिश में दी थी या हिंदी में या बोथ में। इसके लिए दोस्तों, आप यहाँ पे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आपको आपके एग्ज़ाम की डेट ध्यान होना चाहिए, एग्ज़ाम डेट के हिसाब से ही रिजल्ट निकलेगा इनका। आप इसके अंदर सारा देख सकते हैं। अभी बताते हैं आपको कि जो टाइपिंग में फेल हो गया उनके लिए कोई दूसरा चांस मिलता है या नहीं मिलता, इसके बारे में बात करें। फिलहाल तो कोई चांस है वो टाइपिंग में फेलियर कैंडिडेट को नहीं दे रहा है हार्टोन। पहले होता था कि वो टाइपिंग के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते थे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। अगर दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके लिए क्वालिफिकेशन स्पीड क्या मांग रखी थी, इंग्लिश में 30 और हिंदी में 25। अगर टाइपिंग से सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेरिट बेस पे रहेगा। जो कैंडिडेट टाइपिंग में फेल हो गए हैं, वो हमारे कॉमेंट बॉक्स में अपना नाम और टाइपिंग स्पीड ज़रूर पुट कर दें, जिससे कोई नोटिफिकेशन आएगा हम उनको ज़रूर बता देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगली वीडियो इससे रिलेटेड आएगी तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।